फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा ये और बहुत ही इजी है बनाना। केवल दो रो का डिजाइन है, ये सिंपल सा डिजाइन है। तो जेंट्स स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है, आप इसे चाहें तो लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बेबी फ्रॉक्स वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं, प्लस 2 फंदे हमें इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। तो देखिए, इसमें मैंने फंदे डालने के बाद थोड़ा सा बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है मेरी, राइट साइड है, ये एक एच स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही निकाला। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर, तो धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेके ऐसे पीछे से, पीछे की तरफ से इनको एक कर लेंगे, सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर इन दो फंदों को ऐसे पीछे से एक साथ लेके सीधा बिनेंगे। फिर हमें वही करना है, फिर हमें वही करना है। देखिए, एक फंदा सीधा बिना, फिर धागे को आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिन लेंगे, धागा आगे ही रहेगा। इससे हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ रहा है और एक फंदा यहाँ पे घट रहा है, तो फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। एक फंदा हमने सीधा बिनना है, धागा आगे करना है, फिर इन दो फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अपनी। देखिए, एक फंदा सीधा बिना, धागे को आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे और ये एक एज स्टिच है, इसको हम सीधा बिन लेंगे। अब देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो ये एक एज स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही निकाला। उसके बाद एक फंदा ये उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बिनेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये जो ये जाली वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा और इसके बाद वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से लेके सीधा बिनेंगे और धागा हमारा आगे ही रहेगा और इन दोनों फंदों को हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और यहाँ पर एक घट गया। फिर धागे को आगे करेंगे, अब ये एक उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिन लेंगे। फिर देखिए, धागा आगे ही रहेगा और ये जो जाली वाला फंदा है ये, और इसके पीछे वाला फंदा, इन दोनों को पीछे की तरफ से सिलाई डाल के ऐसे करके एक साथ लेके सीधा बिन देंगे ऐसे। फिर धागे को आगे करेंगे, एक ही फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा आगे ही रहेगा और ये जाली वाला जो फंदा है इसको और इसके पीछे वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेके ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डाल के इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये जाली वाला फंदा और इसके पीछे वाला फंदा, इन दोनों को ऐसे एक साथ लेके धागा आगे ही रखिएगा, ध्यान रखिएगा धागा आगे ही रहना चाहिए, और इन दोनों को एक साथ लेके सीधा बिन देंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, पूरी रो ये ऐसे ही कंप्लीट होगी हमारी। केवल इन्हीं दो रो का डिजाइन है ये, इन्हीं दो रो को कंटिन्यू करना है हमें आगे। ये देखिए, एंड में भी हमारा ये दो फंदे एक करेंगे हम ऐसे, धागा आगे है हमारा और इस तरीके से हमने इसे सीधा बिन दिया। अब ये एक एच स्टिच है, धागा आगे करके इसको उल्टा बिन लेंगे। ये केवल इन्हीं दो रो का ये डिजाइन है, तो आपको छोटे में पता नहीं चलेगा। अब देखिए, राइट साइड है हमारी, एक रो और बता देती हूँ मैं आपको। ये एच स्टिच है, इसको ऐसे ही निकाला। उसके बाद देखिए, ये एक फंदा है, इसको हम सीधा ही बिनेंगे। अब देखिए, ये जाली वाला फंदा है और इसके बाद वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा है और इसके बाद वाला फंदा है, तो
धागे को हम पहले आगे करेंगे और ये जाली वाला फंदा और इसके बाद वाले फंदे को ऐसे लेके एक साथ सीधा बिंदेंगे पीछे की तरफ से, फिर एक ये वाला फंदा सीधा बिंदेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और ये जो जाली वाला फंदा है उसको और ये इसके पीछे वाले फंदे को, इनको ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डाल के सीधा बिंदेंगे, फिर ये एक फंदा आगे का सीधा बिंदेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और ये जाली वाला फंदा, आपको केवल ये ध्यान देना है कि जाली वाला फंदा और उसके पीछे वाले फंदे को हमें एक साथ लेके सीधा बिनना है। फिर देखिए अब ये जो एक फंदा हम सीधा बिन रहे हैं वो हमारा राइट साइड में सीधा बिना जाएगा और रॉन्ग साइड में उल्टा बिना जाएगा। ये हमारा सीधा बिना, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को एक साथ लेके ऐसे पीछे की तरफ से सीधा बिन दिया, फिर एक फंदा सीधा बिना, फिर धागे को आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे और ये इन दो फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे लेके सीधा बिन देंगे और ये फिर एक एज स्टिचेस को हम सीधा बिन देंगे। तो ये देखिए एक बार इसका लुक आ गया है। आप जब इन्हीं दो रोज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए जब आगे इन्हीं केवल इन्हीं दो रो को आगे कंटिन्यू करते जाइएगा तो इसका लुक इस तरीके से आएगा।